हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन मैथमेटिक्स क्लासेस। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 14 बी ऑफ चैप्टर 14, दैट इज पॉलीगन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14 बी के 1 to 7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करके आज 14 बी को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। Each interior angle of a polygon is 108 degree. How many side does it have? Question number 8 में आपको ये क्या दिया गया है? Each interior angle जिसकी value 108 degree है, ये आपको sides बतानी है कि उसके अंदर कितनी sides होती है। तो हमें solution start करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लो भाई। ऐसा question पहले भी क्या हुआ है? Each interior angle क्या formula था हमारे पास? 180 minus each exterior angle। जब आप 180 में से exterior angle को minus कर दोगे तो आपके पास इंटीरियर एंगल बचेगा। आपको साइड्स बताने की उस शेप में कितनी साइड्स होंगी। तो हमारे पास जो गिवन है, पहले वो लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 108 डिग्री। हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू है 108 डिग्री। फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास क्या है? 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 108 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल आपको पता है क्या होता है? 360 डिवाइडेड बाय एन इक्वल्स टू 108। हमने फॉर्मूला लिख लिया और इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू गिवन है। अब क्या करेंगे हम, इनको 108 को इधर ले आते हैं। 180 माइनस 108 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एन, यहाँ नेगेटिव था इधर जाकर ये पॉजिटिव हो गया। 180 में से 108 माइनस करोगे तो आपके पास 72 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एन। अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एन को 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 72n इक्वल्स टू 360 डिग्री। एन यहाँ रखे 360 डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई में तो 72 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब कैंसिल आउट कर लो इसे, कैंसिल आउट करेंगे हम 36 से कर देते। 36 1 36 जीरो एंड 36 2 72, 2 1 2 2 5 10। तो वैल्यू ऑफ एन क्या आ गई हमारे पास? 5। तो जिसमें 5 साइड होती है, कौन सी शेप होती है? वो पेंटागन होती है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ ये वैल्यू चेंज की गई है, यहाँ पर 108 है तो उसमें 135 दिया गया है। आपको एज इट इज इसी तरीके से सोल्व करना है और आपको एन की वैल्यू यानी साइड ऑफ पॉलीगन फाइंड आउट करनी है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज ट्वाइस द एक्सटीरियर एंगल एंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन इज। आपको इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ साइड ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसमें कंडीशन दी गई है जो आपका इंटीरियर एंगल है वो ट्वाइस है एक्सटीरियर एंगल के। यानी एक्सटीरियर एंगल आपके पास जो भी है उसका 3 गुना होगा आपका इंटीरियर एंगल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लेट करके चलते हैं। हम लेट कर लेते हैं, अब लेट क्या करना है वो भी देखेंगे। जिसके साथ कंपैरिजन किया गया, तो इंटीरियर एंगल का कंपैरिजन एक्सटीरियर एंगल से किया गया। क्या कहा गया है इसमें? कि इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल। जो इंटीरियर एंगल है वो थ्राइस एक्सटीरियर एंगल का, तो हम क्या लेट करेंगे? हम एक्सटीरियर एंगल लेट करेंगे। तो कुछ भी आप लेट कर सकते हो, ए बी सी एक्स कुछ भी, लेट द एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, देन इंटीरियर एंगल इज, आपको क्या कहा गया इंटीरियर एंगल के लिए? वो थ्राइस यानी 3 गुना है। तो ये x है तो ये क्या होगा? 3। अब उसके बाद हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। कोई भी क्लोज फिगर है, कोई भी पॉलीगन है, उसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस किया 180, x प्लस 3x इज 4x इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 180 बाय 4 डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, 4 1 4 4 4 16 4 5 20। तो वैल्यू ऑफ x इज 45, वैल्यू ऑफ x इज 45 डिग्री। और 45 जो x है और 45 है, और x हमने क्या लेट किया था? एक्सटीरियर एंगल।
अब आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता है, आपको साइड्स निकालनी है, तो साइड्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, 360 डिवाइडेड बाय 45, कैसे 45 एड था 360, हमारे पास क्या आंसर आया 8 साइड्स। तो ये चीज याद रखनी है आपको, जब भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों एक साथ दिया जाए, हमें पता है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180। बताया गया था कोई भी आपके पास क्लोज फिगर है, जैसे ट्रायंगल है, उसके इनसाइड जो एंगल बनता है वो इंटीरियर होता है और आउटसाइड जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ से इस तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व करने, फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई है एच की, तो जब आप टोटल एंगल से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वापस साइड्स आ जाएंगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन, आपको सिर्फ, तो अब सोल्व करते हैं इसका। हमें पता है साइड्स इन डेकागन, कितनी साइड होती है डेकागन में, 10 साइड्स, यानी एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10। अब हमें निकालना है ईच इंटीरियर एंगल। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, आप क्या करोगे, पहले आप सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालोगे, उसे एन से डिवाइड कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और एक हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, इसे निकाल लेते हैं। तो 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइडेड बाय एन, तो 180 माइनस 360 वैल्यू ऑफ एन इज 10, 10 से 10 कैंसिल। जब आप 180 में से 36 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 144 डिग्री। तो ये क्या हुआ हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बस आपको साइड्स बतानी चाहिए क्या होंगे डेकागन की, उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला निकालोगे। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं, अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू 10 माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल। अब 10 माइनस टू इज 8 मल्टीप्लाई 18, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास 144 डिग्री ही आएगी। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन ऐसे कि आप किसी भी फॉर्मूले से भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हमें पता था कि सम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, जब आप 180 में से उसका एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दोगे तो आपके पास 1 इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ऐसे ही टोटल जो सम है इंटीरियर एंगल का, उसको आप उसके साइड से डिवाइड कर दोगे तो अभी आपके पास क्या आएगा, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन, हेक्सागन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आपको बताने। तो आपके पास ऑल इंटीरियर एंगल के लिए दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है आपके पास एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, एक होता है 2 एन माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ये दोनों हमारे सेम फॉर्मूले हैं, बताया भी हुआ आपको पहले भी मैंने। अब इसके बाद आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो राइट एंगल कहा गया है। अब राइट एंगल का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एन माइनस 4 मल्टीप्लाई राइट एंगल। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास फर्स्ट है साइड ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल दैट इज 2 एन माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अभी आपको मैंने बताया था क्या लिखना है, 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई राइट एंगल। वैल्यू पुट करते हैं n की, 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू राइट एंगल, 2 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 12 माइनस 4 इंटू राइट एंगल, एंड 12 माइनस 4 इज 8 इंटू राइट एंगल। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। बस ये चीज याद रख रही है कि जो 90 डिग्री है
वो राइट एंगल होना चाहिए और बिल्कुल जैसे हमने पहले ही क्वेश्चन करे हुए हैं एज इट इज आपको सोल्व करना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 1080 डिग्री. आपको क्या कहा गया है, जो सम है ऑल इंटीरियर एंगल का वो 1080 डिग्री है. व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल. आपको क्या करना है, आपको एक इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, यानी ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. हमारे पास टोटल है, सम है, अगर हम उसके साइड से उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी. अब हमारे पास पॉलीगन का नेम भी नहीं है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी साइड फाइंड आउट करेंगे. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जो पहले गिवन होता है सबसे पहले वो लिखना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 1080 डिग्री. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोई भी लगा लो, तो 12 - 4 × 90 डिग्री या n - 2 × 80 डिग्री. आप कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो. इक्वल्स टू 1080 डिग्री. अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, इधर आकर हम इसको डिवाइड में ले आते हैं. तो यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई में था, तो इधर आकर डिवाइड, तो इक्वल्स टू 1080 upon 180 डिग्री. 10 से 10 कैंसिल, कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको. 9 से कैंसिल आउट कर लो, 9 × 2 = 18. 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18. 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12. तो n - 2 आपके पास आ गया 6. आगे इसको सॉल्व करते हैं, n इक्वल्स टू, यहाँ पर -2 है, उधर जाकर 6 में प्लस होगा, तो 6 + 2, n इक्वल्स टू 8. तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 8, यानी 8 साइड से हमारे पास. अब आपको आगे क्या करना है, n की वैल्यू आ गई. अब आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप 180 - 360 / n वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो. 1080 को आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा. तो हम अब तक वो करते आ रहे हैं, 180 से उसी से ही कर लेते हैं आगे. तो अब आपको निकालना है ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 - 360 / n. 180 - 360 upon वैल्यू ऑफ एन इज 8. कैंसिल आउट करते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, 4 × 8 = 40. आगे सॉल्व करते हैं, 180 - 45. माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 135 डिग्री. ये हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. दोबारा देखें इस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 1080 डिग्री. और उसके बाद व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, आपको ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपको साइड पता लग जाए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मतलब साइड नहीं है, जो हमें वैल्यू गिवन थी उससे हमने फॉर्मूला लगाकर साइड निकाली, साइड की वैल्यू हमारे पास आई 8. अब ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, 180 - 360 / n. जब आप 1080 को 8 से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास 135 डिग्री ही आएगा. तो आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. फिर कह रही हूँ कि सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ईच इंटीरियर एक्सटीरियर, और इंटीरियर होता है अंदर की तरफ वाला एंगल और एक्सटीरियर होता है बाहर की तरफ वाला एंगल. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14B. लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14. द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड इज एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री, हाउ मेनी साइड डज पॉलीगन है. ये कहा गया है क्वेश्चन में कि आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल इक्वल है, उसका इंटीरियर एंगल एक्सीड करता है उसके एक्सटीरियर एंगल से 108, यानी जो इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल से 108 बड़ा है. आपको ये बताना है कि उस पॉलीगन की कितनी साइड. तो सबसे पहले जिसके साथ कंपैरिजन, जैसे एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जिस भी एंगल के साथ कंपैरिजन किया जाता है सबसे पहले हम उसको लेट करेंगे. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट द, क्या लेट करना है हमें, एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो गई एक्स, देन इंटीरियर एंगल कितना बड़ा है इंटीरियर एंगल 108, तो x प्लस 108 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल से 108 डिग्री ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, x में 1
108 डिग्री प्लस कर देंगे। अब वही कंडीशन, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, x, और इंटीरियर एंगल क्या है, x प्लस 108 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे, x एंड x, 2x प्लस 108 डिग्री इक्वल्स टू 180। 2x एज इट इज लाइक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को एक साथ लेते हैं, यहाँ ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 180 में से 108 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 72 डिग्री। अब x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड, 72 बाय 2 इज 36 डिग्री। अब आपके पास x की वैल्यू आई है, यानी आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ गया है, हमें साइड्स बता रही है, बस x की वैल्यू आई 36 डिग्री और x क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल है, आपको साइड्स बतानी है, तो साइड के लिए क्या करना है, 360 टोटल एक्सटीरियर एंगल से आपको ईच एक्सटीरियर एंगल डिवाइड करना है, होगा आपके पास 360 डिवाइडेड बाय 36, कैंसिल आउट करोगे, 36 में जा 36, 31 जा 36 एंड 0 इज 10 साइड्स। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारे पास डी ऑप्शन दैट इज 10 साइड्स। यहाँ पर हमारा 14 भी कंप्लीट होती है और चैप्टर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको ये सभी क्वेश्चन अपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।